दोस्तों, मैं गहना वशिष्ठ और अगेन मैं वापस आ गई हूँ रोशनी के साथ। सो रोशनी, आपने इतने सारे लड़कों लड़कियों के साथ काम किया, आपका फेवरेट को एक्टर कौन है? मेरा फेवरेट को एक्टर, अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो आकाश द्विवेदी है। ओके। हाँ, वो बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छा काम करते हैं, काफी अच्छे काम किए भी हैं उन्होंने, और एज अ फ्रेंड वो बहुत अच्छे हैं, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं वो। तो आकाश द्विवेदी इज माय फेवरेट, यू कैन से। और फीमेल में? फीमेल में मुझे ऑब्वियसली टीना बहुत अच्छी लगी। हाँ। वो जो है वो सामने से है, आपके सामने है, कोई दिखावा, कोई भी फेकनेस उस पे नहीं है। अगर आप गलत है तो गलत कह देंगी, अच्छी है तो गलत, उसका कुछ ऐसा नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, अभी तक आपने कौन कौन से ऐप के लिए काम किया? जैसे आपने एस्मा के लिए, केन के लिए किया, आपने SSKG के साथ काम किया? नहीं मामा, अभी देखिए ज्यादा टाइम हुआ नहीं है तो ज्यादा इतना वो किया नहीं है, बट हाँ वो मैं सॉरी एस्मा मैं बड़े नाम जो मैं बताया तो, आपको जिसके साथ किया। ठीक है, तो आपकी कौन सी सीरीज है जो रिलीज हुई है और लोगों के उस पर कॉमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं? एस्मा सीरीज जो मैंने आपको सेंट टाइमर बताया, वो बहुत काफी लोगों ने पसंद किया है। वो मलयालम लोगों ने हमारी सीरीज को बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया। तो अभी तक का अगर मैं कहूंगी तो सबसे ज्यादा सैंड टाइमर ने काफी हिट गई है, ये कह सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ रोशनी, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अगर आपने रिप्लाई कर दिया जी तो वो तो कहते हैं हम आपके बहुत बड़े फैन है, लेकिन जैसे आप उन्हें रिप्लाई नहीं करते हैं वो आपको गालियां देना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले आई लव यू सो मच। आप ऐसे ही मुझे हेट कहे, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी नफरत में भी प्यार होता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, देखिए वो फैंस का प्यार है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को इतना प्यार करते हैं कि अगर वो आपको रिप्लाई ना करे तो आपको गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से में आप कुछ भी बोल जाते हैं। अक्सर हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, तो मैं उसका बुरा नहीं मानती बिल्कुल। मैं उनको फिर भी उनको कहूंगी आई लव यू सो मच और थोड़ा और प्यार दीजिए। मैंने इतना भी कुछ नहीं किया यार, थोड़ा प्यार दीजिए। कभी कभी बिजी रहती हूँ तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ अगर आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो हम मिलेंगे, बातें करेंगे, जरूर करेंगे, बट प्लीज हेट मत कीजिए। तो अभी जैसे आपने कई सारी फिल्में देखी होंगी, शायद आपको पता होगा मार्केट में कौन कौन से एक्टर हैं, तो कौन से मेल एक्टर और कौन से फीमेल एक्टर के साथ आप काम करना चाहती हैं और क्यों? देखिए सच बताऊं तो ऐसा मैंने नहीं सोचा कि मैं किसी के साथ काम पर, हाँ आगे मुझे जितना भी मतलब मौका मिलेगा, मैं चाहती हूँ कि मैं काफी अच्छे एक्टर्स के साथ काम करूँ, है ना, तो अगर ऐसा मौका मिलता है तो जरूर करेंगे। तो किसी का आप नाम वगैरह जानते हैं? नहीं मैम, मैं ऐसा किसी का नाम नहीं मैं स्पेसिफाई बोल सकती हूँ, बट हाँ कुछ बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहूंगी आगे। नाम नहीं लोगे? नहीं। अरे यार ये यहाँ पे धोखा कर दिया। सरप्राइज। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, जैसे भी आप मीटिंग्स वगैरह के लिए जाते होंगे, है ना, तो जब आप मीटिंग में गई कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर किसी से मिलती होंगी, कास्टिंग वालों से, तो आप बहुत सारे एक्टरों के नाम लिए जाते होंगे, तो ऐसा हुआ आपके साथ कि बहुत सारे एक्टरों के नाम लिए गए हों? हाँ कई बार होता है, बहुत सारे एक्टर्स का नाम लेते हैं। सच बताऊं तो कई एक्टर्स को मैं जानती हूँ और कई एक्टर्स को मैं नहीं भी जानती हूँ, तो होता है अक्सर। तो सबसे ज्यादा बिचिंग किसकी होती है, किसके बारे में सबसे ज्यादा बुराइयां की जाती हैं, ऐसा कोई नाम? मेरे सामने नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। अरे यार पता है इतना फिल्टर नहीं चाहिए था मुझे, बट मैं क्या करूँ, शी इज नॉट। ठीक है, तो मुझे बताओ कि अभी आपके हाथ में जी अभी कोई पर्टिकुलर सीरीज है जो आप शूट करने वाले हैं इन अ डे और टू? जी मैम, मैंने बताया आपको ना, अभी मेरी कुछ ऐसी वेब सीरीज है, मैं शूट हो चुका है, वो जल्द रिलीज भी होगी और आपको पता चलेगा, फैंस को भी पता चलेगा। ठीक है, और जैसे कि आप दिल्ली से हैं जी, तो दिल्ली वैसे बहुत लिबरल है और ऑर्थोडॉक्स लोग वहां नहीं रहते, सो जब आपने डिसाइड किया दैट यू वांट टू बी एन एक्ट्रेस, सो आपकी फैमिली ने, आपके रिश्तेदारों ने कोई बड़ा सा ऐसा हर्डल वगैरह क्रिएट किया? नहीं, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है इस मामले में। मैं अपने आप को काफी लकी कहूंगी क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, तो ऐसी मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। मगर हाँ कुछ रिलेटिव्स आपके भी घर पे होंगे जो कि आपके काम को नजर लगाते हैं, है ना, तो
बोला उन्होंने, बट मेरी जो फैमिली है वो इतनी सपोर्टिव रही है, मैंने उनकी बात पे गौर ही नहीं किया, मैं सच बता रही हूँ आपको. ओके एंड अभी आप किसी को डेट कर रही हैं? डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? बिल्कुल भी नहीं. अच्छा. आई एम सिंगल और ऐसा कोई इरादा नहीं है आगे. सिंगल और हैप्पी हूँ मैं, है ना, तो अभी तो नहीं है कोई. सो अगर हमारा कोई फैन, आपका कोई फैन आपका अप्रोच करना चाहे टू बी हिज गर्लफ्रेंड, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और वो आपको कैसे अप्रोच कर सकता है? He should be, first thing कि he should be caring person, है ना, loving person, जो कि हर लड़की चाहती है. मुझे ये दो क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में रहता है. फैमिली वैल्यूज वो जाने, वो जितना प्यार वो अपनी फैमिली के साथ करेगा मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे भी इतना ही प्यार करेगा. सो ये तीन चीजें मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो looks doesn't matter to you? No, never. एंड अगर बहुत ज्यादा रिच नहीं हुआ तो कोई नहीं, हम तो कर ही रहे ना काम, मिलके कमा लेंगे. गाइस मैं अभी इतनी लड़कियों से मिली हूँ, आई बिलीव ये पहली बंदी है जिसने कहा कि वो एक रिच बंदा नहीं ढूंढ रही, शी इज नॉट ए गोल्ड डिगर. सो अगर आपको लगता है शी इज फिट द बिल, एंड अगर नो आपको लगता है कि यू फिट द बिल क्योंकि शी इज द परफेक्ट, तो आप प्लीज इसे अप्रोच करें. अच्छा रोशनी मुझे एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ लाइक यू शूटिंग फॉर अ बोल्ड सीन, ओके, एंड ऑल ऑफ सडन तुम्हें ऐसे इमोशंस आ गए कि ये सीन बंद ना हो यार, बस ये सीन बंद ना हो, दिस शुड गो विद द फ्लो, ऐसा हुआ है कभी? हुआ है, एक बार हुआ है. किसके साथ हुआ था? आकाश के साथ हुआ. आकाश तुम्हारे बहुत बातें हो रही हैं. बिकॉज आकाश ऐसा पर्सन है जिसके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल होती हूँ, है ना, तो वो मैं कंफर्टेबल जोन में थी. मैं ये नहीं कहूंगी कोई फीलिंग्स, बट हाँ मैं कंफर्टेबल जोन में रहती हूँ उसके साथ. सो डू यू हैव सम स्पेशल फीलिंग फॉर हिम? नो नो नो, ही इज माय गुड फ्रेंड. आकाश मैं तुमसे इसके बाद बात करने वाली हूँ. बताओ बताओ. बिल्कुल बिल्कुल बात कीजिए. सो आकाश के साथ ठीक है. और कभी ऐसा हुआ है कि लाइक आप किसी शूट पे गए हो, शूटिंग फॉर अ फिल्म, और आपको बताया गया कि यार पहले दो ही सीन है, एंड अचानक से डायरेक्टर प्रोड्यूसर आए कि यार तुमने सीन बड़े अच्छे दिए, एक और सीन कर लोगे क्या? ऐसा कभी हुआ है? वो काम अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके सीन्स बढ़ जाए वो तो प्लस चलता है, वो हमारे लिए भी अच्छा अच्छी बात है. बट हाँ सीन्स हमारे पहले से ही क्लियर रहते हैं कि आपको इतने करने हैं, अगर वहाँ आपको काम पसंद आता है किसी को आपका तो वो फिर बढ़ जाते हैं. ओके और कभी आपने किसी एजेड एक्टर के साथ काम किया, लाइक सम बुड्ढा एक्टर के साथ, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? मलयालम जो मैंने किया है, मलयालम एक सीरीज बूमैक्स के लिए, वेला करी नेम उसका सीरीज का है, वेला करी, वहाँ पे मेरे एक एक्टर थे जो थोड़े एजेड थे, बस वही रहे, उसके अलावा तो सब यंगस्टर्स थे. तो उनके साथ काम करके कैसा लगा? वो मलयालम एक्टर काफी अच्छे थे वहाँ पे. हाँ तो मेरा ये लग रहा है हमेशा से कि मुझे को एक्टर्स बहुत अच्छा मिला है, तो उनके साथ भी एक्सपीरियंस मेरा काफी ऐसा, मतलब लगा ही नहीं कि वो एजेड है ना, तो उन्होंने काफी अच्छे से मुझे भी और खुद को भी, मतलब एकदम बढ़िया तरीके से हमारा सीन हो गया था, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं मतलब. और आपने कभी कोई लेस्बियन सीरीज की है? जी. होल्ड ऑन, ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे कि किसके साथ की और कैसा एक्सपीरियंस. ठीक है, टिल देन बाय बाय.